Welcome everyone, Bilal Saeed is here and today we will discuss about bacteriophage. So first of all we should know what is meant by bacteriophage. Bacteriophage is a virus that can infect the bacteria. So वो तमाम वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हों या इन्फेक्ट करते हों उनको हम जो है वह बैक्टीरियोफेजिस का नाम देते हैं. सो बैक्टीरियोफेज के लाइफ साइकिल के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें बहुत से स्टेजेस आती हैं जिनसे गुजरने के बाद इसका जो लाइफ साइकिल है वो एक कंप्लीट होता है. सो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है उसको हम नाम देते हैं अटैचमेंट का, एंड सेकेंड स्टेप इंक्लूड पेनिट्रेशन, एंड आफ्टर दैट मल्टीप्लीकेशन एंड लाइसिस. ये हमारे पास चार मेन स्टेप्स होते हैं जो कि इसके अंदर इंक्लूड है. अब हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की, विच इज़ अ अटैचमेंट. अटैचमेंट क्या होता है कि जब एक बैक्टीरियोफेज जो हमारे पास बैक्टीरिया होता है उसकी सेल वॉल के ऊपर कुछ रिसेप्टर साइट्स होती हैं. जब एक बैक्टीरियोफेज उन रिसेप्टर साइट्स के ऊपर आके अटैच होता है, वो लैंडिंग करता है उनके ऊपर आके अटैच हो जाता है और उनके दरमियान में एक वीक यूनियन बन जाती है, तो इसको हम जो है वो अटैचमेंट का नाम देते हैं. ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है लाइफ साइकिल, इसके जो है वो साइकिल के अंदर. सो अब पहले क्या करते हैं कि बैक्टीरियोफेज आएगा आके जो उसकी सेल वॉल होती है, सेल वॉल के ऊपर जो है रिसेप्टर साइट के ऊपर आके अटैच हो जाएगा. उसकी जो अपेंडिज होती हैं उनके ज़रिए इसके ऊपर जो है वो अटैच हो जाते हैं. ठीक है, अब उसकी जो हम उसको टेल का नाम देते हैं, ठीक है, अपेंडिज बोल रहा हूँ, यानी कि टेल के ज़रिए उसके साथ अटैच हो जाएंगे. अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, सेकंड स्टेप है पेनिट्रेशन. पेनिट्रेशन में क्या होता है, पेनिट्रेशन में वो जो इसकी शीथ होती है वो कंट्रैक्ट हो जाती है. शीथ कंट्रैक्ट हो जाने की वजह से जो कोर होती है उसको इन्फोर्स करती है टू पेनिट्रेट इनटू द सेल वॉल. अब वो सेल वॉल के अंदर जो है वो पेनिट्रेट हो जाती है. अब पेनिट्रेट होने के बाद जितना भी मटेरियल इसके अंदर मौजूद होता है, जेनेटिक मटेरियल उसके हेड के अंदर मौजूद होता है, उस सारे को इंजेक्ट कर दिया जाता है इनटू द बैक्टीरियम. अब ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कि किसी भी इंजेक्शन के जरिए किसी वैक्सीन को जो है वो बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी कि उसको नीडल को इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर और उसके बाद जब उसको प्रेस किया जाता है तो उसके अंदर जो मटेरियल होता है वो बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है. सो सेम लाइक दिस इसमें भी होता है कि जब वो उसके अंदर पेनिट्रेट हो जाती है, तो पेनिट्रेट होने के बाद तो बाद में जितना भी मटेरियल होता है उस सारे को इंजेक्ट कर दिया जाता है इनटू द बैक्टीरियम. अब जब वो बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है तो उसके बाद हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, दो तरह के साइकिल हो सकता है. एक को हम नाम लेटसिस साइकिल और एक को हम नाम देते हैं लाइसोजेनिक साइकिल. सो लेटसिस साइकिल क्या होता है, यानी कि लाइसिस हमारे पास यानी कि एक ऐसा स्टेप होता है जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है मल्टीप्लीकेशन. अब जैसे ही वो मटेरियल बॉडी के अंदर यानी कि बैक्टीरिया के अंदर एंटर होता है, तो बैक्टीरिया के अंदर एंटर होने के बाद जो उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी होती है उस पर कंट्रोल ले लेता है. अब वो मशीनरी जो उसके अंदर प्रोटीन की प्रेपरेशन करती है या उसके अंदर जितनी भी उसको रिक्वायरमेंट होती हैं उनको प्रिपेयर कर रही होती है, उनको वो अपने कंट्रोल में ले लेता है. अपने कंट्रोल में लेने के बाद वो अपने लिए प्रोटीन तैयार करता है और वो रेप्लिकेशन करता है. अब इस एप्लीकेशन में क्या होता है कि तकरीबन 25 मिनट्स के अंदर 200 माइक्रोफेजिस जो बैक्टीरियोफेजिस होते हैं वो बन जाते हैं. अब जैसे ही ये मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, उनकी रेप्लिकेशन हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा नंबर में बन जाते हैं, तो उसके बाद हमारे पास जो लास्ट स्टेप आता है उसको हम नाम देते हैं लाइसिस का. लाइसिस में क्या होता है कि लाइसिस हम बोलते हैं ब्रस्ट होने को, फटने को, कि हमारे पास जो वो बैक्टीरिया होता है वो फट जाता है और उसके अंदर जितने भी वायरसेस होते हैं वो सारे बाहर निकल जाते हैं. इस तरह से उनकी जो है वो रिप्रोडक्शन हो जाती है. अब इसके लिए उसका होस्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी जो वायरस होता है उसके लिए उसका होस्ट बहुत मानी रखता है, उसके बगैर वो जो है नॉन लिविंग की तरह होता है. अब ये उसका होस्ट होता है तो उसके अंदर चला जाता है. अब अगर हम बात करें दूसरे जानव जिसको हमने नाम दिया था लाइसोजेनिक का, तो लाइसोजेनिक में क्या होता है कि उसमें जैसे ही वो एंटर होता है, तो एंटर होने के बाद वो जो मटेरियल होता है उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी पे जो है वो कब्ज़ा नहीं करता, कंट्रोल नहीं लेता, बल्कि क्या करता है उसके इनकॉर्पोरेट हो जाता है, यानी कि उसका पार्ट बन जाता है, जो क्रोमोसोम होते हैं उसके साथ ऐड हो जाता है. अब ये उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसका हिस्सा बन जाता है. अब इसके साथ जब बैक्टीरियम जो है वो रेप्लिकेशन करेगा, बैक्टीरिया जो है वो रेप्लिकेट होकर दो अपनी कॉपीज तैयार करेगा, तो वो उसकी दूसरी कॉपीज के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा और इस तरह जो है वो जितनी भी कॉपीज बनती जाएंगी उनका जो है वो पार्ट बनता जाएगा. अब सम टाइम ऐसा भी होता है
कि फिर दोबारा से वो जो वो जो है दोबारा से रेप्लिकेशन करता है। रेप्लिकेशन करने के बाद लाइसिस के जरिए फट के दोबारा से जो है वो लाइसिस साइकिल पे आ जाता है और इसको हम इंडक्शन का नाम देते हैं। अब वो फेज जो इनकॉर्पोरेट करता है और उसके साथ जो है वो यानी कि बायोसिंथेटिक मशीनें पे कंट्रोल नहीं करता, उसको हम प्रोफेज का नाम देते हैं। और इस जो हमारे पास ये जो प्रोसेस आ रहा होता है इसको हम जो है वो लाइसोजेनिक का नाम देते हैं। सो दिस इज समथिंग अबाउट द साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। इस तरह से बैक्टीरियोफेज होते हैं वो अपनी तादाद जो है वो बढ़ाते हैं और इस तरह जो है वो कोई भी जो बैक्टीरियोफेज होता है वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। लेकिन जो लाइसोजेनिक की हमने बात की है इसके जरिए जब वो उसका पार्ट बन जाते हैं तो वो समटाइम रेजिस्टेंट भी हो जाते हैं। सो दिस आर सम basic things which you have to make in your mind when you are writing about life cycle of bacteriophage. So thank you so much for today. Allah Hafiz.